नमस्कार समस्त मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपमन को स्वागत करुचे। आज वीडियो रे हमें फोकस करिबा ग्रेजुएशन रो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मन को ऊपर जो मैंने कि सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे सरले किंबा देवा को चाहते जदि आपने पीजी कोर्सेस कंटिन्यू करने को चाहते कि ग्रेजुएशन पर जी मास्टर्स करने को चाहते देन सीपेट 2021 रो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो सारा से जगह आपड़ रजिस्ट्रेशन करजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करदे पारे। सीपेट रो फॉर्मेट एक्चुअली लास्ट ईयर ही स्टार्ट हो लाइक 2020 पाखर ही स्टार्ट हो जो थी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रे आम अपीयर करदे पार कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रे निजर सीट को बुक करदे पार डिपेंडिंग अपन द कट ऑफ मार्क तो डिपेंड करुच्छे कि आपड़ के मार्क रखुच्च से हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज रे निजर सीट आप बुक करदे पारे। खास करके जब हमें बायोलॉजी फील्ड रे देखुचे देन आम पाखे टोटल पांचटा सब्जेक्ट अच्छे जो थे कि हमें पीजी कोर्सेस कर फर्स्ट लाइफ साइंस है देन जूलोजी है देन बॉटनी देन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी तो ये सब सब्जेक्ट पाखे जब आप देखुं देन लाइफ साइंस रो 2020 क्वेश्चन डिस्कशन ऑलरेडी सरी सारी से चैनल अपलोड हो सारी तो जदि आपड़ा चेक करने को चाहूँ देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपड़ तार लिंक पाइपारे और कंप्लीट करेंगे। वर्तमान नेक्स्ट पार्ट रे हमें स्टार्ट करवा जूलोजी सहित तो मोस्टली मोर पूरा एक्सप्लेनेशन मोर चेष्टा यार रहा कि जिते सिंप्लीफाइड वे रे की पॉइंट सहित एक्सप्लेनेशन को रिप्रेजेंट करने जोटा कि आमको हेल्प कर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे। मुझे आशा करूँ कि आपने निज निजर प्रिपेरेसन स्टार्ट कर सारी थे बिकज बहुत जल्दी एक्जामेसन होगा जाऊँगी एंट्रान्स एक्जामेसन प्रिपेर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भल भाव बुझा और सेमानकर फॉर्मेट को भल भाव बुझा यहाँ बहुत ही एसेंशियल हो जाए बिकज एक तो आमको डिफिकल्टी लेवल विषय में गोटे आइडिया चली आसे कौ टाइप क्वेश्चन आसूस ता विषय में आइडिया पड़े आसे तो निहाती भाव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमको हेल्पफुल रहा जब आम डिस्कशन करुचे तो सहित वर्तमान आम स्टार्ट करवा जूलोजी पेपर सहित मुझे चेष्टा करी कि बहुत सिंप्लीफाइड वे रे निजर एक्सप्लेनेशन को पुटअप करने तो वर्तमान रो पार्ट रे आमे डिस्कशन करिबा वर्टिब्रेट्स एवं इनवर्टिब्रेट्स मानक विषय देन ता सहित आमे सेल बायोलॉजी रो किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एवं मॉलिक्युलर बायोलॉजी रो किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। निहाती भाबरे जो माने बाकी सब्जेक्ट रो पिला माने अछन जेमति कि बॉटनी हला मॉलिक्युलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस से मानक पई सेल बायोलॉजी एवं मॉलिक्युलर बायोलॉजी निहाती भाबरे गोटे हेल्पफुल रहइबो बिकॉज़ आपण जेते डिफरेंट क्वेश्चंस मानकर प्रैक्टिस करिवे सेते बेसी आपणकर गोटे कांसेप्ट क्लैरिटी भी आसीबो एवं नॉलेज मध्ये से जागरे एनहांस सो मु आशा करूँ कि पूरा वीडियो रो एक्सप्लेनेशन सरला आपको कि मेजर इनफॉरमेशन निहाती भाव में जगह मिल जाव। स्टार्ट करने पूर्व मोर गोटे छोट इंट्रोडक्शन मो साइड रू सो मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एंड मु भुवनेश्वर रू बिलंग करुच्ची सो आई हैव डन माय एमफिल इन जूलोजी फ्रॉम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एमएससी इन जूलोजी फ्रॉम ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन जूलोजी फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। रिसेंटली इन 2020 आई हैव क्वालिफाइड सीएसआर यूजीसी नेट एलएस विथ ऑल इंडिया रैंक 42 एंड गेट विथ ऑल इंडिया रैंक 559। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस डिटेल्स ओके सो दिस वन इज फॉर जीमेल एड्रेस इंस्टाग्राम एड्रेस एंड टेलीग्राम एड्रेस तो जदि किसी भी आपड़ा क्वेश्चन पचारे चाहते कि एक्सट्रा क्वेरीज रही है तो आप सब एड्रेसेस कॉन्टैक्ट करदे पारे। तो आम स्टार्ट करवा जूलोजी क्वेश्चंस रू आज आम डिस्कशन करवा क्वेश्चन नंबर 1 रू क्वेश्चन नंबर 35 पर्यंत नेक्स्ट पार्ट रे आम डिस्कशन करवा 36 रू 70 क्वेश्चंस पर्यंत एंड मु ट्राए करी जहाँ भी क्वेश्चन आमर अच्छी एक्जाक्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन रखापी एक तो आमको हेल्पफुल रहा क्वेश्चन मानने बुझापी भल भाव सहित आमको कि निहाती भाव में किसी की पॉइंट्स मिल जाव जोटा कि आमको हेल्प कर क्वेश्चन को आगे भल भाव सल्व करने तो प्रथम क्वेश्चन जब आम स्टार्ट करवा जमती की क्वेश्चन आप देखिपे स्क्रीन रे अमोबिक डिसेंट्री इज कॉस्ड बाय प्रथम कथा तो क्वेश्चन रे ही सब बेले आम पाखे किसी ना कि टिप्स थाए डिपेंड करुच्चे कि आपड़ निजर प्रिपेरेसन को कैसे स्ट्रंग करवेन क्वेश्चनस रू भी आप बहुत प्रकार आइडिया आसीज कि कौ ऑप्शन टा ठीक हम कौटा भूल हम जमीक जिते बड़े पचरा जामईवा विषय दैट मीनस आम चारिटा जाक ऑप्शन रू प्रथम यहाँ देखा कि कौटा आमईवा ग्रुप को बिलंग करूना प्लाज्मोडियम वाइवस यहाँ आमईवा ग्रुप को बिलंग करूना सेकेंड जिनस आसीगला टेलियासोडियम यहाँ करूना दैट मीनस ऑप्शन नंबर सी एंड डी ए जगह भूल हो गला। सेकेंड पार्ट रे आसी जाउछि आपनकर ए एंड बी एंड ए एंड बी भीतर जदि आपन देखिबे डिसेंट्री खास करके हुए कहा जको
हिस्टोलिटिका जो एंटीमेबा हिस्टोलिटिका जो इवन इफ जब हिस्टोलिटिका विषय में आज कन्फ्यूज भी अच्छा या बुझापी आहरी गोटे भल आईडिया है खास करके हिस्टो वर्ड यूज कर हिस्टो वर्ड रे कौन टीस्यू सेकेंड जिन आज लाइटिका लाइटिका वर्ड रीनिंग आसी जा लाइसिस पाखु तो जितेबाला कौन प्रकार पाथोजेन खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कौन प्रकार पाथोजेन जो आप बॉडी भितर एंटर करे तो निहती भाव से डाइजेस्टिव सिस्टम को इनफेक्ट कर कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर एंड जितेबाला आप एंटीमाइबा हिस्टोलिटिका कौन ये कौन करें आम डाइजेस्टिव सिस्टम टीस्यूज मैं डैमेज कर दिए जो कि अल्टीमेटली डिसेंट्री कॉज हुए एंड यार जब आउ टे फर्दर इनफर्मेशन आप देखिए एंटीमाइबा हिस्टोलिटिका खास करके दुटा फर्म थाए एक तो आप गोटे तार सिस्टिक फेज देखिए सेकेंड फेज में आपको ट्रोफोजॉइड स्टेज मिली जाव तो सिस्टिक फेज में से कौन प्रकार इनफेक्शन क्रिएट करे ना या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज बोली भी आम कहीदे पार बट जिते सी एक्सिस्टेशन कैर दैट मीन सिस्टिक फेज रू बाहर को चली आसे कि टाइप ट्रोफोजॉइड स्टेज को सी अटेंड करे ट्रोफोजॉइड स्टेज एक्चुअली गोटे पाथोजेनिक स्टेज थाए जो थे कि सी डिफरेन्ट टीस्यूज मानक डैमेज कर दिए डिफरेन्ट टीस्यूज मानक सी नष्ट कर दिए जहाद्वारा डिसेंट्री कॉज हुए तो क्वेश्चन नंबर वन रो पॉसिबल आंसर आसीजिए ये मैंने पॉसिबल कौन ये ठीक आंसर ये आपको एंटीमाइबा हिस्टोलिटिका दैट मीन ऑप्शन नंबर बी सेकेंड जिन क्वेश्चन आसगला आम स्टार्ट करवा एग्डाइजोन पाखु एग्डाइजोन है गोटे हार्मोन जोटा कि इनसेक्ट मानक केस खास करके रिलीज हुए और इनसेक्ट मानक जब डेवलपमेंटल फॉर्मेट आप जानते देन दुई प्रकार हार्मोन ये जगह रिलीज हुए गोटे जुवेनाइल हार्मोन आउ गोटे रही आपको मोल्टिंग हार्मोन तो जुवेनाइल हार्मोन अलग था मोल्टिंग हार्मोन अलग था तो एग्डाइजोन इज अ मोल्टिंग हार्मोन तो प्रथम ऑप्शन तो ये जगह हम ना सेकेंड जिन देखा कि एग्डाइजोन रिलीज केमती हुए तो डिफरेंट हार्मोन्स माने थांति जो माने कि मोल्टिंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व थांति एवं इनसेक्ट मानक केस रे खास करके जो एग्डाइजोन हार्मोन थाए तार रिलीजिंग हेबार पाथवे को जदि आपण देखिबे देन प्रथमे तो किछटा ब्रेन रु न्यूरोपेप्टाइड्स माने रिलीज होंति जहाको आमे प्रोथोरासिकोट्रोपिक हार्मोन बेली कहिथौ एटाको आमे अदरवाइज ब्रेन हार्मोन बेली भी कहिदेबा दैट मीन्स बीएच एंड पीटीटीएच दुटा एक सेम जिनस दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ए जगह सेम जिनस आसी जाउछि PTTH रिलीज हालापर सी इंड्यूस कर नेक्स्ट ग्लांड को दैट इज नोन एज अ प्रोथोरासिक ग्लांड प्रोथोरासिक ग्लांड पाखु जो हार्मोन टी रिलीज हुए आम मोल्टिंग हार्मोन भी किंबा आम एग्डाइजोन भीदेपर कि आम प्रोथोरासिक ग्लांड हार्मोन भीदेपर तो आंसर ये जगह आम आसीजो कौन ऑप्शन नंबर सी जोटा कि आपंकर ठीक आंसर हो तो एग्डाइजोन गोटे PGH दैट मीन्स प्रोथोरासिक ग्लांड हार्मोन भी आम कनसीडर करदेपर जोटा को आम अदरवाइज मोल्टिंग हार्मोन भीदेपर जहाद्वारा ऑर्गेनिजम्स मानक भितर मेटामॉर्फोसिस हुए और फर्दर डेवलपमेंट हुए देन क्वेश्चन नंबर थ्री सहित आम प्रोसीड करवा इन स्पंजेस द सेल सराउंडिंग द ऑस्कुलम इज प्रथम कथा तो स्पंज विषय जब आप भल भाव में जानते देन ये जानते हैं दैट स्पंज रोटे ओपनिंग साइड थाए जहाँ को आम ऑस्कुलम ऑस्कुलम थ्रु रे कौन हुए जहाँ भी वाटर कंटेंट ऑस्टिया थ्रु रे एंटर करे बॉडी भितर जमी ये सब आप ओपनिंग देखिपे सो दिस आर नोन एज द ऑस्टिया तो ऑस्टिया थ्रु रे वाटर एंटर करे ऑस्कुलम थ्रु रे बॉडी रु सी एक्जिट कर जाए बर्तमान एक्जिट कला टाइम रे जो आप मानते जो सेल लेयर को जब आप देखुं ये बुझापी आमको टी बॉडी लेयर उपर टे ध्यान रखा पड़ो तो जितेबाला बॉडी लेयर देखुं खास करके स्पंज केस तीन टा प्रकार लेयर मिलो आउटर लेयर को आम कही पिनाकोडर्म ये पिनाको साइट्रे ताकि इनर लेयर को आम कही कोआनोडर्म तो कोआनोडर्म जो आप देखुं ये जगह आपको कोआनो साइट्स मैंने मिल जाए और मझी जगह कहा जाए मेजोग्लिया तो ये जगह आपको किसी जेली लाइक सब्सटेंसेस मिलो ये जगह आपको किसी स्पिक्यूल्स मिल जाए किसी अलग प्रकार सेल्स मिल जाते जो मैंने कि लाइक न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज पर्पज रे है कि कौन प्रकार प्रोटीन को सिक्रेशन है से टाइप काम करती तो जब आप पिनाकोडर्म देखुं जोटा कि पिनाको साइड्रे ताइटा तो आउटर वाल चलीगला मैंने आउटर लेयर में चलीगला जदि आप कोआनोडर्म को देखुं कि कोआनो साइट्स को देखुं जोटा कि इनर लेयर को रिप्रेजेंट कर इनर लेयर मैंने ऑस्कुलम सहित क्लोजली एसोसिएट होती रही तो जब आप कोआनोडर्म देखुं से जेहतु या कोआनो साइट्स तो आम बिना कौन से कन्फ्यूजन में ऑप्शन नंबर सी सहित जाठी आउ गोटे भी इनफर्मेशन आप मन रखिदे पारे दैट कोआनोडर्म्स मानक खास करके फ्लाजेलेटेड सेल्स भी कहुए फ्लाजेलेटेड सेल्स एथिपे बिकज एम पाखे बहुत गुड़े फ्लाजेला आभेलेबल थाए यह सब सेल्स मेरे और कंटिन्युअस बीटिंग जो वाटर करेन्ट को गोटे प्रकार डिरेक्शन मिले कि सी कौ वे रे मूव करवा दरकार तो फ्लाजेलेटेड सेल्स मैंने बहुत बेसी एसेनसीयल था एक तो वाटर करेन्ट को मुवमेंट करने रेस्पिरेसन प्रोसेस में भी इक्वाल हेल्पफुल था सो दैट कि वाटर मुवमेंट रहा अक्सीजेन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस हेल्प करते
सो ऑप्शन नंबर थ्री आसीगला आप मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक आंसर आसीगला आप ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट आसी जाऊँ कॉन्कोलॉजी कॉन्कोलॉजी यहाँ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ को आम किसी सेमती एक्सप्लेनेशन किसी दरकार नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन सो इट्स अ स्टडी ऑफ सेल ऑफ मॉलस्का जब आप मॉलस्का ग्रुप रे जानते देन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेल्स मैंने था तो जब आप सेल विषय जाऊँगी स्टडी कर दैट इज नोन एज कॉन्कोलॉजी नेक्स्ट आसीगला सिंथेसियल एपिडर्मिस प्रथम कथा तो सिंथेसियम माने कौन मुझे कहीदे सिंथेसियम माने कौन जिते बड़े आपंकर गोटे मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन थाए जमीक गोटे जगह आपको बहुत गुड़े न्यूक्लियस मिल जाए तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को आम सब सिंथेसियम कही था सिंथेसियम एपिडर्मिस मैंने एपिडर्मिस जो सेल्स मैंने अच्छा से जगह आपको मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिले ठीक आंसर आसी जाए आपंकर आस्कारिस रुम्रिकॉय तो आस्कारिस रुम्रिकॉय केस कौन मिले तार जहाँ भी लेयर्स थाए से आपको मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल जाए ये आउ कि भी इनफर्मेशन आप मन रखी पारे स्केलेटल मसल्स मानक केस आपको मिल जाए मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन इवन जब आप देखुं ड्रोसोफिला डेवलपमेंट टाइम जो तार ब्लास्टुला तैयारी हुए ब्लास्टोडर्म कहुए सिंथेसियम सिंथेसियल ब्लास्टोडर्म कहुए बिकज से ब्लास्टोडर्म केस साइटोप्लाज्मिक डिविजन हुए ना केवल न्यूक्लियर डिविजन ही हुए और गोटे जगह भितर आपको बहुत गुड़िया न्यूक्लियस मिल जाए जदि आप ड्रोसोफिला डेवलपमेंट विषय में जानते देन ये जगह इनको सिंथेसियल ब्लास्टोडर्म कहुए तो ऑप्शन नंबर फाइव ये आसीज ठीक आंसर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक आंसर आसीज ऑप्शन नंबर बी देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पचार जाए दैट आरिस्टोटल्स लैंटर्न प्रेजेंट इन आरिस्टोटल्स लैंटर्न एक्चुअली यहाँ कहुच्छे एकाइनोडर्माटा मानक केस जो जगह कि आपको एग्जांपल आप नहीं पारे सी अर्चिन सी अर्चिन जब आप डायग्राम देखिए देन तार जो माउथ पार्ट जो अच्छी माउथ पोर्शन पाखे बहुत गुड़े मस्कुलर फोल्डिंग आपको मिल जाए ये मस्कुलर फोल्डिंग्स गुड़ाक अच्छी यहाँ को आप अदरवाइज लिप्स कही पारे तो ये लिप्स टाइप रो स्ट्रक्चर रही जो प्रकार अरेंजमेंट रही समय इट लुक्स लाइक अ लैंटर्न तो से जेहतु आरिस्टोटल को फाइंड आउट करते तो ना अनुसार यहाँ आरिस्टोटल्स लैंटर्न कहुए तो सी अर्चिन र सेंटर पार्ट जो तार माउथ अच्छी से जगह को देखते देर आर मेनी फोर टू फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ मस्कुलर फोल्ड्स आर देयर एंड द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे शो इट लुक लाइक लैंटर्न इन सेफ सो दैट्स इट्स नोन एज अरिस्टोटल्स लैंटर्न देन नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर सेवेन आर्थम विषय में पचार क्वेश्चन क्वेश्चन है तो इन आर्थम द ओवर इज सिचुएटेड इन टेन्थ सेगमेंट थर्टीन सेगमेंट इलेवेन सेगमेंट और फोर्टीन सेगमेंट तो आंसर ये आसी जाए थर्टीन सेगमेंट रे बिकज जब आप डायग्राम देखि पारे थर्टीन पाखे आपको ये ओवरी मिल जाए फोर्टीन आपको ओविडक्ट मिल जाए तो जेहतु आमको ये पचारे ओवरी विषय तो बिना कौन से कन्फ्यूजन में आम ये कौन जा थर्टीन सेगमेंट सहित जा दैट मीन ऑप्शन नंबर डी सहित आम ये प्रोसीड करवा देन नेक्स्ट आसीगला क्वेश्चन नंबर एट इन सेफालोकॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉर्ड्स जोटा कि कॉर्ड्स मानकर टिके पूर्व ये ऑर्गेनिज्म मानकर डेवलपमेंट होती गिल स्लिट्स ओपन इनटू जो आपंकर आट्रियम थाए दैट मीन्स गोटे टाइप रो कैबिटी लाइक स्ट्रक्चर थाए जोटा कि बॉडी कैबिटी और ए कैबिटी भितर टिके डिफरेंसेस आसी जिवो तो बॉडी कैबिटी कहले तो आपन सिलम को बुझेबे बट आट्रियम कहले जोटा आपंकर थोरासिक एरिया पाखे कि फैरिंजियल फोल्ड्स मानक जो जो गिल स्लिट्स मैंने अच्छे इनकर फोल्डिंग मस्कुलर फोल्डिंग गोटे पर्टिकुलर अरेंजमेंट थाए जो थी जब गोटे कैबिटी लाइक स्ट्रक्चर तैयारी हुए एंड दैट कैबिटी इज नोन एज आट्रियम ये केस आगे भल भाव देखिए आट्रियम खास कर गोटे ओपनिंग थाए जहाँ को आम आट्रियो पोर बोली कही था तो जितेबाला अर्गानिजम मानक रेस्पिरेसन प्रोसेस कंडक्ट हुए कि रेस्पिरेसन है किंबा फूड इनटेक् आक्टिविटी भी है जेहतु ये मेराइन अर्गानिजम तो कम्प्लीटली वाटर भितर ही इंडल्ज होती था तो जितेबाला ये वाटर करेन्ट एंटर कैर एम माउथ भितर को तो जहाँ भी खाद्य पदार्थ थाए से खाद्य सब ये जगह फ्यारिंग्स पाखे रिलीज होता म्यूकस थ्रू आटाच होकर रही जाए और वाटर सहित अक्सीजन और कार्बन डाइअक्साइड्र एक्सचेज हुए बाकी जीक वाटर जोटा कि यूटिलइज है कि जोटा कि अनयूटिलइज वाटर है किटा मैंने अक्सीजेन सागर एक्सचेज हो सारापर जो कार्बन डाइअक्साइड वाला व्टर जोटा रहा से आट्रियो पोर्ट देखिए चली आसे जोटा कि आट्रियम रही गोटे ओपनिंग यहाँ को आपड़ कहीदे पारे तो सेफालोकॉर्ड्स मानक जब आप गिल स्लिट्स देखुं तो आंसर वुड बी योर सॉरी नॉट सिलम सॉरी द आंसर वुड बी योर आट्रियम दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर नाइन को जब देखा नाइन पचार जाए मामल लाइक रेप्टाइल्स
মামাল লাইক রেপটাইলস যদি বর্তমান এই জায়গায় আপনার যদি দেখবে কিছু রেপটাইল যেহেতু রেপটাইলস মানুষের ডাইভার্সিফিকেশন হয়েকি বার্ডস এবং মামালস মানুষের ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল কিংবা এটি মুই যদি মেনশন করি দেন এপস মানুষের গোটে সাইডের ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল এবং মামালস মানুষের ডেভেলপমেন্ট গোটে সাইডের হয়েছিল তো আমি এটা কহি দেই পারিবা যে প্রিমিটিভ মামালস মানে থিলে সেমানে মোস্ট লাইকলি দে লুক লাইক দে অলমোস্ট বিহেভ লাইক অ রেপটাইল তো যেহেতু এটি মামালস মানুষের রেপটাইলস সহ বহুত সিমিলারিটি রয়েছে তো যদি আমি রেপটাইলস মানুষের ফ্যামিলি ট্রি দেখিবা যেমতি কি প্রথমে আসিগেল আপনার টেট্রা টেট্রাপোড রে গোটে সাইডে আসিযাব আপনার আমফিবিয়ানস এবং নেক্সট সাইডে আপনার আসিযাব আমনিউডস আমনিউডস কেসরে প্রথমে আসিগেল আপনার সিনাপসিডস এবং ডায়াক্সিডস সিনাপসিড কেসরে আসিগেল আপনার মামালস মানে এবং মামাল লাইক রিপটাইলস মানে তো যেহেতু আমি এটি কোশ্চেন পচারা গেছি অ্যানাপসিড অর ইউরাপসিড অর পারাপসিড অর সিনাপসিড তো অপশন আমার ঠিক আনসার আসিযাব এটি অপশন নম্বর ডি দ্যাট ইজ দ্য সিনাপসিড তো যে সব রিপটাইলস মানে অছন্তি যে মানে কি মামালস মানক পরিকা দেখা জানতি সরি আমি মু উল্টা কইদিলি যে মামালস মানে অছন্তি যে মানে কি সমলয়ার টিকে রেপটাইলস মানক পরিকা দেখা জানতি কিংবা তাদের কিছুটা সিমিলারিটিস থাকে দে বিলংস টু দ্য সিনাপসিড লাইন ओके देन नेक्स्ट आसीगला क्वेश्चन नंबर 10 द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स विषय तो समस्त ही हमें जानते दैट इट्स इट इज कंसीडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स এবং ইয়ার প্রথম জীবাশ্ম দ্যাট মিন্স প্রথম ফসিল যদি আপনার দেখবে দেন এটা মিলেছিল জার্মানির সো অপশন নম্বর বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দেন লার্জেস্ট লিভিং ল্যান্ড অ্যানিমালস লার্জেস্ট লিভিং ল্যান্ড অ্যানিমালস যদি আপনার দেখুন দ্যাট মিন্স সবুঠু বড় এবং মানে মানে যেটা স্থলভাগের যেটা দেখা যায় তো বর্তমান যদি এটি গোটে ছোট ইনফরমেশন মুঠি আপনার যদি দেবি মামথ মানে অলরেডি এক্সটিঙ্কট করিগলে তো মামথ তো এটি লার্জেস্ট অ্যানিমাল হব না সো বর্তমান পাই আমি এলিফ্যান্ট সহ যাইপার দ্যাট এলিফ্যান্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট লিভিং ল্যান্ড অ্যানিমাল রাইট নাও অ্যান্ড এমানকর যদি সাবঅর্ডার আপনার দেখুন দেন সাবঅর্ডার আসিযোগ আমার প্রোবিসিডিয়া সো প্রোবিসিডিয়ারে যেত সব অ্যানিমালস মানে অনেক খাস করি এলিফ্যান্ট ক্যাটেগরির অ্যানিমালস মানে যাতে প্রোবিসিপিডিয়ারে সরি প্রোবিসিডিয়া অ্যান্ড ইয়া ভিতরে যদি আপনার মামথ মানুষ দেখুন যেহেতু এমানকর বডির টেম্পারেচর এমানকর থর্মোরেগুলেশন মেনটেন হয়ে পারিনথিলা প্রপরলি সাইবেরিয়া এরিয়ারে প্যারালাল ইভোলিউশন বিষয়ে যদি আপনার জাঁথিবে দেন মামথ মানুষের ডেভেলপমেন্ট কোল্ডর রিজন আড়ু টিকি বেশি লা বট প্রবলেম এটা হল কি সেমানকর বডি সহ সে প্রপরলি টেম্পারেচর কু রেগুলেট করে পারলে না যেহেতু যোগ উইথ টাইম সেমানকর ডেথ হয়ে গেল অ্যান্ড রাইট নাও দে আর কমপ্লিটলি এক্সটিঙ্কটেড তো বর্তমান টাইমে যদি আপনার লিভিং অ্যানিমাল দেখবে দেন এলিফ্যান্ট উড বি দ্য আনসার অ্যান্ড সেমানকর সাবঅর্ডার যদি আপনার দেখুন দেন প্রোবিসিডিয়া আসিযোগ আপনার ঠিক আনসার তা সহিত যে পেরিসোডাক্টিলা রহিলা কিংবা আর্টিও ডাক্টিলা রহিলা এই কেসরে অলগা কিছু অর্গানিজম মানে অনেক যেমি কি পেরিসোডাক্টিলারে কিছু আসিযোগে যেমি ডায়াগ্রামেটিক্যালি আপনার এটি দেখুবে যেমি জেব্রা হল কিংবা আপনার সব যে পাঁচ হাতি যেত সব রহলে কিংবা এপর যদি আপনার আর্টিরো ডাক্টিলা দেখবে দেন এই জায়গায় আপনার জেব্রা চালি আসব কিংবা ছোট ছোট সব ডিয়র মানে চালি আসবে তো এই টাইপের অর্গানিজম মানে আসিযোগে বাকি ক্যাটেগরি ভিতরে ওকে সো প্রোবিসিডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট লিভিং ল্যান্ড অ্যানিমাল যে কি বর্তমান আভেলেবল অট ইয়েস মামথ মানে বর্তমান না তো আমি কনসিডার করে দিয়ে পারিবা এলিফ্যান্টস মানে আসিযোগে লিভিং লার্জেস্ট অ্যানিমালস মানক ভিতরে ওকে ড্রাইভিং ফোর্স অফ অ্যান ইকোসিস্টম এটা তো বহুত ইজি সোলার এনার্জি তো ড্রাইভিং ফোর্স বিকজ সোলার এনার্জি ন রহলে কোণী প্রকার ইকোসিস্টম নিজের এনার্জি কু মানে মেনটেন করে পারিব না দ্য টার্ম ইকো টাইপ ওয়াজ কয়েন্ড বাই এটা গোটে ডাইরেক্ট কোশ্চেন সো অপশন নম্বর ইজ এ জি টুরেসন ইজ অ সাইন্টিস্ট যে কি ইকো টাইপর টার্ম কু কয়েন করে দেন সেকেন্ড কোশ্চেন আসিগেল দ্য টার্ম বায়োসিনোসিস বায়োসিনোসিস অ্যাকচুয়ালি আমি ইকোলোজিক্যাল কমিউনিটি কে বিলি কই দেই পারিবা অ্যান্ড ইট ওয়াজ প্রপোজড বাই কার্ল মোবিয়াস দ্যাট মিন্স অপশন নম্বর সি আসিযোগ এটা ঠিক আনসার এতে কিছু বুঝলা টাইপের জিনিস না ইটস ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেন ফিফটিন কোশ্চেন দেখবা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ লিমিটিং ফ্যাক্টর ফর ফটোসিনথেসিস প্রথম জিনিস তো আপনার এটা বুঝি যাতে কি লিমিটিং ফ্যাক্টর মানে এক্সাক্টলি কোণ লিমিটিং ফ্যাক্টর আমি তাকে কহবা যেমানকর আবসেন্সে আমি কিছুটা আক্টিভিটি কু কন্ডাক্ট করিবার সক্ষম হবা না যেমি ফটোসিনথেসিস যদি আমি দেখুছি তাহলে ফটোসিনথেসিস আমি দরকার কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি দরকার ওয়াটার অ্যান্ড আমি দরকার সানলাইট দ্যাট মিন্স এই তিনটা জিনিস যদি আপনার পাখে আভেলেবল না দেন ফটোসিনথেসিস হয়ে পারিব না সো দ্যাট ফটোসিনথেসিস এই তিনটা আসিযোগে অ্যাজ আ লিমিটিং ফ্যাক্টর তো এমানকে যদি আপনার দেখবে এক তো লাইট হব না দেন ক্লোরোফিল বি হব না সরি সরি আই থিঙ্ক কোশ্চিন পচারছি উইচ ইজ নট এ লিমিটিং ফ্যাক্টর আচ্ছা লিমিটিং ফ্যাক্টরে লাইট আপনার গোটে লিমিটিং ফ্যাক্টর হয়ে যাব ক্লোরোফিল মধ্যে লিমিটিং ফ্যাক্টর হয়ে যাব কার্বন ডাইঅক্সাইড মধ্যে লিমিটিং ফ্যাক্টর হয়ে যাব অক্সিজেন লিমিটিং ফ্যাক্টর হব না এথিপাইন বিকজ অক্সিজেন এই জায়গায় ইউটিলাইজ হোক না রাদার অক্সিজেন এই জায়গায় রিলিজ হচ্ছে পুরা যদি আপনার ইকুয়েশন দেখবে ফটোসিনথেসিস দেন আপনার পাখে রহলা
सोलार एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रहिला देन वाटर रहिला देन आम पाखरे क्लोरोफिल पिगमेंट रहिला देन आम पाखरे सोलार एनर्जी रहिला एंड बदल रे हमको ग्लूकोज मिलला ता संगे हमको ऑक्सीजन मध्ये रिलीज आउथला तो ए जगह रे ऑक्सीजन रिलीज होजी बट ऑक्सीजन रो ए जगह रे यूटिलाइजेशन हो नाही सो ऑक्सीजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर बट रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग फैक्टर क्लोरोफिल इज अ लिमिटिंग फैक्टर लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इवन वाटर इज ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर बट नॉट ऑक्सीजन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोटीन तो प्रथम कथा तो जदि आपण एंडोसाइटोसिस प्रोसेस विषय में जानते देन एटा भी जानते कि बहुत गुड़े प्रोटीन्स मैंने था जो मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर सरफेस आसिक एसोसिएट होती सो दैट कि मेम्ब्रेन टी हेवी होगा वन्स ये हेवी होगा देन ऑटोमेटिकली जहाँ भी मॉलिक्यूल्स कि कंपोनेंट अटैच थी सरफेस से ऑटोमेटिकली पुश डाउन होकर चली आसो सेल भितर को एंड ये प्रोसेस थ्रु में कौन करते जहाँ भी सेल जहाँ भी कंटेंट थी या द्वारा ये टाइप बेसिकली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके आसिक एंडोजम सागर बाइंड करेंगे जहाद्वारा डिग्रेडेशन हो पड़े यहाँ खास करके कौन से प्रकार वायरल अटैचमेंट है और कौन से प्रकार पैथोजेनिक अटैचमेंट है तो यही टाइप्र मेम्ब्रेन्स मानक इनर सैड्रे प्रोटीन्स मान एसोसिएशन हुए जमीक कैभिओलीन ये आप देख पाथे कि क्लाथ्रीन एग्जांपल नहीं जाइपर सो दैट इज नोन एज द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस तो बर्तमान जब चारिटा ऑप्शन को आज देखिए सो क्लाथ्रीन इज द ठीक आंसर बट स्नेयर जब आप देखिए स्नेयर यहाँ मेम्ब्रेन फ्यूजन हेल्प करे आरएसटीन तो आसीज आपर जी प्रोटीन डीएक्टिवेशन तो यहाँ भी यहाँ हम ना ग्लाइको प्रोटीन तो जो प्रोटीन सागर जब कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू अटैच कर दूसरे दैट वुड बी नोन एज ग्लाइको प्रोटीन तो तीन टाक ऑप्शन सागर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कौन से प्रकार ठीक आंसर ये जगह हम ना तो आंसर आसीज ऑप्शन नंबर ए देन आम नेक्स्ट देखा प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग ऑफ आउटर माइक्रोट्यूबुल अच्छा जितेबाला आप माइक्रोट्यूबुल देखुं तो माइक्रोट्यूबुल आसगे आप गोटे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एवं या कौन ट्यूबुलिन दैट मीन मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में या तो प्रथम जब आप देखुं स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल ओब्वियसली ट्यूबुलिन तो निजे इटसेल्फ माइक्रोट्यूबुल तो सेटा तो हम ना डाइनिन कौन करे आमको एनर्जी प्रोवाइड करे एटीपी रो हाइड्रोलिसिस हुए एडीपी आईपी रिलीज हुए जोटा भी हुए नॉन ऑफ दिस एबल हम ना आंसर आसे जब ये नेक्सिन नेक्सिन जब आप लोकेशन देखिए नेक्सिन लोकेशन मुझे आपको मेनशन करदेव नेक्सिन जब लोकेशन देखिए यहाँ रहा आप गोटे ट्यूबुलिन ए बी ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुल मानक रहा गोटे कंडीशन ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन भितर ये छोट छोट सब रॉड लाइक स्ट्रक्चर थाए जो मैंने कि ट्यूबुलिन्स को परस्पर सहित आसोसीएट करके रखि था ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मानक कहुए नेक्सिन तो नेक्सिन मैंने कौन करते जो ट्यूबुलिन मानक भितर गोटे प्रकार स्लाइडिंग मुवमेंट हुए नेक्सिन से जिनसा कंट्रोल करके रखे मैनेज करके रखे तो ये जगह आसीज आपर ठीक आंसर कौन नेक्सिन ओके देन नेक्स्ट आसगला 18 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 आमको यहाँ पचार दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टारगेटिंग मेकानिज्म इज कॉमन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल प्रोटीन टारगेटिंग ये आपको दुटा प्रकार कहीदे दैट वन इज अ को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन एंड सेकेंड वन इज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन को ट्रांसलेशनल मैंने प्रोटीन सिंथेसिस चली थी तांगे टारगेटिंग चली थी जमीक जितने ईयर भितर को जितने प्रोटीन एंट्री हुए जब आप देखिए ये तो जो सब राइबोसोम मैंने मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम मैंने थाने ये कौन हुए प्रोटीन सिंथेसिस भी हुए और से ही प्रोटीन गुड़ाक ईयर भितर को एंटर कर चलते तो से जगह आम से को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन कही था किटा प्रोटीन था किटा राइबोसोम था जो मैंने कि फ्री राइबोसोम था ईयर सागर आसोसीएटेड नथा तो ये प्रथम ट्रांसलेशन करके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे देन से ही प्रोटीन्स मैंने निज निजर टारगेट ऑर्गेनल्स पाखक जी दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन तो जदि आम ये दुटा का एक्टिविटीज को देखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन केस रे खास करके पोस्ट ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हुए जो थे कि प्रथम प्रोटीन सिंथेसिस हम फ्री राइबोसोम्स ऊपर देन सी तार निज निजर टारगेट ऑर्गेनल्स पाखक मैंने ट्रांसपोर्ट होगी चली जाए तो यही जगह पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन आसीज जोटा कि टारगेटिंग मेकानिज्म था इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय यहाँ टी ट्रिकी क्वेश्चन आसी जाऊँगी एंड ये क्वेश्चन को टी आमको भल भाव में बुझाप पड़ो ए बिकज जिते बारे में सेल सैकल कथ कहे सेल सैकल खास करके आमको साइक्लीन दरकार सहित आमको सीडीके दरकार ये आप मन रखुद दैट साइक्लीन प्रथम सिंथेसीस हम सिंथेसीस हालापर आक्टिवेशन हम जो कि फॉस्फोरिलेशन हुए फॉस्फोरिलेशन पर जो साइकिल सरीज देन तार डिफॉस्फोरिलेशन हम डिफॉस्फोरिलेशन पर तार प्रोटीओलाइसिस हम प्रोटीओलाइसिस मीन से कंप्लीटली सेल पाखर ही चली देन जो दरकार पड़ो पुणे सिंथेसीस हम तो यही जगह जब आप सेल साइकिल को कंट्रोल करार अच्छे सीडीके रे कंसंट्रेशन केबे इनक्रीज किंबा डिक्रीज हुए ना ये आप मन रखु ये सब कांस्टेंट रुहे राइट साइक्लिन आइदर इनक्रीज हो पार कि डिक्रीज हो पार जो दरकार पड़े सिंथेसाइज हुए तो तार कंसंट्रेशन इनक्रीज हो जाए
ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଇଯାଏ ତ ତାର କନସେନଟ୍ରେସନ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସାଇକେଲକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି G1 ଫେଜ୍ ହେଲା, S ଫେଜ୍ ହେଲା, G2 ଫେଜ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ M ଫେଜ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଲ୍ ସାଇକେଲକୁ, ଦେନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ବିନା ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଟିଲାଇସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଦରକାର ବେଳେ ଆମକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାକି ସାଇକ୍ଲିନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଓଭରଲ୍ୟାପିଂ ନ ହେଉ, କିମ୍ବା ବାକି ସାଇକ୍ଲିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟିଲାଇସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁବିକ୍ୟୁଟିନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରୋଟିଓଜୋମାଲ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡି ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ ସାଇକେଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛେ, ଇଭିନ୍ ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ବି ଆମ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲି ଜରୁରୀ, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟିଓଲାଇସିସ୍ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିକଜ୍ ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ପଚରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଜରୁରୀ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ ସାଇକେଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିଲାଇସିସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜରୁରୀ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବା କଥା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବାୟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜଡ୍ ବାଇ ଦ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାସେଲୁଲାର ସିଗ୍ନାଲ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ମାନେ ମାନେ କମନ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ, ନଟ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ହୁଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସ୍ଫୋରିଲେସନ୍ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ 21, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହି କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମି କନଜରଭେଟିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 14 ଆଣ୍ଡ 15କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେନ୍ 22କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଜାଗାରେ ପଚରାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଗିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଗିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି, ତ ଲ୍ୟାଗିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡରେ ସପୋଜ୍ ଧରିଦେଲେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ପ୍ରାଇମର୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରାଇମର୍। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛିଟା ଇଲଙ୍ଗେସନ୍ କରିଦେଉଛି ସୋ ଦେଟ୍ କି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଇଜି ହେବ। ତ ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଇଲଙ୍ଗେସନ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଏଇଟା ଡିଏନ୍ଏ ହେଲା, ରାଇଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଲଙ୍ଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5'ରୁ 3' ହେବ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଗିଂ ପ୍ରାଇମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମକୁ ଲ୍ୟାଗିଂ ପ୍ରାଇମର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିବା? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଆପଣ 5'ରୁ 3' ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା 3'ରୁ 5' ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଆମେ ଯଦି 3'ରୁ 5' ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମକୁ କଟିଂ ଏଇପଟ ଆଡ଼ୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ 3'ରୁ ଯଦି ଆମେ କଟିଂ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଲାଇଗେଜ୍ ତ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ନଥାଏ, ବିକଜ୍ ଲାଇଗେଜ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଜଏନିଂ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ସେଗମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଲା କି ପଲିମରେଜ୍ 1 ହେବ ଅର୍ ପଲିମରେଜ୍ 3 ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ 3 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି 3'ରୁ 5' ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ବେସ୍ ପେୟାର୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ ପଲିମରେଜ୍ 3 ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ପଲିମରେଜ୍ 1କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ 3'ରୁ 5' ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଇଏ 5'ରୁ 3' ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ଡିଏନ୍ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ସରିସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 3'ରୁ 5' ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଆମ ଡିଏନ୍ଏକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ 5'ରୁ 3' ଆଡ଼କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ 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 କରିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ପୁରା ପ୍ରାଇମର୍ ବି ଏଠି ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ବି ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି କେବଳ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କାହା ପାଖରେ, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ 1 ପାଖରେ, ବିକଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ 3 ପାଖରେ 5'ରୁ 3' ଏକ୍ସୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ରାଦର ଇଟ୍ ହାଜ୍ 3'ରୁ 5' ଏକ୍ସୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପଲିମରେଜ୍ 1, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ୱେନ୍ ଦ ଜିନୋମ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଜ୍ ରିଲିଜ୍ଡ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିନୋମ୍ ମାନଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ହାୟର ଗ୍ରେଡ୍ର ଅର୍ଗାନିଜମ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ହେଭି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟର ଡିଏନ୍ଏ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ରହିବ କି ଯେହେତୁ ଜିନୋମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟି ବି ବେଶୀ ରହିବ। ବଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେତେ କିଛି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନ୍କୋଡିଂ ଜିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ।
ରାଦର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ବହୁତ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଜିନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ବାକି ତ ସବୁ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପିଟେଟିଭ୍ ଡିଏନ୍ଏ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା କି ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କେସରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେସରେ ଜିନୋମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମ୍, ତ ଜିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବଭିୟସ୍ଲି କମ୍। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଗୋଟେ ହାୟର ଅର୍ଗାନିଜମ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ କି ଯେହେତୁ ଜିନୋମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଅଛି ତ ଜିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ବେଶୀ ହିଁ ରହିବ। ବଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଜିନୋମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ କେବଳ ରିପିଟେଟିଭ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ କୋଡିଂ ଡିଏନ୍ଏକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଜିନୋମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନ୍କୋଡିଂ ଜିନ୍ସ ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 24 ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ। ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍। ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଲାଇଟ୍, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବା। ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଖାସ କରିକି ଆମେ ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଥାଇମିନ୍ ଡାଇମର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଫଟୋଲାଇଏସ୍। ଫଟୋଲାଇଏସ୍ କ'ଣ କରେ, ଆସିକି ସାଇକ୍ଲୋବ୍ୟୁଟେନ୍ ରିଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଥାଇମିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେପରେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅ ଫଟୋ ରିଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 25 ଦେଖିବା, ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ର ପୋଜିସନ୍ ତା'ର ନେବରିଂ ଜିନ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋସୋମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ କ୍ରୋମୋସୋମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନ୍ ମାନଙ୍କର ନେଇଯିବା, ତ ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ ଏର ଲୋକେସନ୍ ଜିର ଜିନ୍ ବିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ବିକଜ୍ ଜିନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିଜର ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ବିକଜ୍ ୱାଇ, ବିକଜ୍ ଜିନ୍ ଏ ତା ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ, ତ ସଲିଡ୍ ରିଜନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଡିଲିସନ୍ ମାନେ ତ ଜିନ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇଠି ତ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସନ୍ ମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୁରିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପିରିମିଡ଼ିନ୍ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ୟୁରିନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ପିରିମିଡ଼ିନ୍ ଆସିଗଲା କିମ୍ବା ପିରିମିଡ଼ିନ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଆସିଗଲା ସେଇଟା ହୁଏ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ଭର୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଓଲ୍ଟି ଯାଏ ଜିନିଷଟା, ତ ଇନ୍ଭର୍ସନ୍ରେ ଖାସ କରିକି ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ବିକଜ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବା। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପେରିନ୍ୟୁରିୟମ୍ ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁ ଲେୟର୍। ଏଇଟା ବହୁତ ହି କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଫାସିକଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଫାସିକଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ପେରିନ୍ୟୁରିୟମ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାସିକଲ୍ସକୁ ମାନେ କଭର୍ କରିକି ରଖିଛି। ସୋ ପେରିନ୍ୟୁରିୟମ୍ ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁ ଲେୟର୍, ଯିଏକି ଫାସିକଲ୍ର କଭରିଂକୁ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍କୁ। 27 ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଡିଟର୍ମାଇନିଂ ଦ ପରସେଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିଓଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି, ସରି ଫିଜିଓଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେ ବେଶୀ ରହିବ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସାଚୁରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବେଶୀ ରହିବ। ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ସେତେ ଡିଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେପାରେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଇଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ସାଚୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଯଦି କମିଲା ସାଚୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ବେଶୀ ଥାଏ ଆମର କର୍ଭ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସେଲ୍ ପ୍ରେସର୍ କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ସାଚୁରେସନ୍ ଏତେ ପ୍ରପର୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେନ୍ କର୍ଭ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାନେ କର୍ଭଟା ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବ। ସୋ ଓବିୟସ୍ଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଦ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ବାଏ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍। ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ତ ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଲୋୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଭିତରେ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ପେରି ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ତାର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଲୋୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଆବଜର୍ପସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସେଲ୍।
हुज आबसेन्स कुड लिड टु परनिसीयस आनेमिया इज द अच्छा ग्लास्टिक ग्लैंड रे बहुत प्रकार सेल्स मैंने थांती ता भितर पेरिएटल सेल्स गोटे एंड पेरिएटल सेल्स मैंने कौन करती कि आयन्स मानकर मैंने एसिड फर्मेसन करती जो थे कि आम आयन्स मानक अब्जर्व करता कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स मानक रिलीज करती जो थे कि विटामिन मानक अब्जॉर्प्शन रे हेल्प हुए तो जदि कौन से प्रकार एक्टिविटी जो पेरिएटल सेल्स मानक डेवलपमेंट नहला प्रॉपर्ली और डिस्ट्रॉय होगा तो आयरन को अब्जर्व करार कैपेसिटी जगह डाउन हो जाए एंड वन्स जब आयरन नहला देन आम जाने भल भाव में हिमोग्लोबिन जब सेंट्रल कंटेंट आप देखिए देन से जगह एफी टू प्लस आवश्यकता अच्छी जब एफी टू प्लस आप दौना देन ओब्विस्ली गोटे एनेमिक कंडीशन ए जगह क्रिएट हम सो जिते बड़े एनेमिया कंडीशन आसी देन ओब्विस्ली अप्सन नंबर डी जो ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 30 ऑल द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जिते सब एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स मैंने अच्छे जमीक आप ग्लुकोकॉर्टिकॉइड है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड है कि गोनाडोकॉर्टिकॉइड है ये समस्ते बाय नेचर दे आर स्टेरॉइड एंड जिते बड़े स्टेरॉइड कहे इमर गोटे कॉमन कंटेंट थे दैट इज ए कोलेस्ट्रॉल तो मैंने कोलेस्ट्रॉल पाखु ही तैयारी होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जगह आप ठीक आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जाए द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन खास करके वाटर रीअब्जॉर्प्शन और मिनरल्स मानकर रीअब्जॉर्प्शन पे हेल्प करे फ्रॉम किडनी ट्यूबुल टुवर्ड्स द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तो ये जगह किडनी जो आप डीसीटी अच्छे दैट मीन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट पाखे मानक खास करके अटैचमेंट हुए तो जब आप डायग्रामेटिकली देखिपे ये आप कलेक्टिंग डक्ट रही कलेक्टिंग डक्टर सेल उपर एल्डोस्टेरोन मानक ये बाइंडिंग रही है एंड बाइंडिंग जो बहुत बेसी बेसी ये सोडियम एब्जॉर्प्शन हुए सागर वाटर एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल थाए सो आंसर ये आसीजिए ऑप्शन नंबर सी then the bacteriophage M13 contains as its genetic material bacteriophage M13 ro genetic material exactly apan ko circular dna tha single stranded circular dna so option number c asijibo eti thik answer then 32 ro jodi apan questions dekhibe 32 re eti kon kaha jaiche eta gote interesting question b dna bisare pachara jaiche jothre ki 1000 base pair achi that means suppose thari diantu eta gote dna hela dna ro jodi moti dita strand koruchi then ei jagare apan ko base pairs base mane available achanti and total apanku 1000 base pair milchi right so pachara jaiche question with a proportion of CAT in one of the strands acha gotiye strand katha pachara jaiche gotiye strand bhitare cytosine rahiche kete 60% then adenine rahiche 30% then thymine rahiche jagare 10% to gotiye site re jodi amara 1000 bases available achi तो 1000 रो 60% हेले साइटोसिन आपनको पाखरे रहिजे केतरा 600 टा जदि एडेनाइन देखिबे देन हम पाखरे अछि 300 टा देन थायमिन जदि हम देखिबे देन 100 टा जते बेले साइटोसिन थाए से केतरा हाइड्रोजन बॉन्ड तयार करिवो 3 टा हाइड्रोजन बॉन्ड तयार करिवो तो एठा हम इनटू 3 कर देबा सो ओके सो दिस वन इज बिकम्स 1800 देन या पई हम इनटू 2 करिवा बिकॉज एडेनाइन संगरे थायमिन जहा भी रहिवो सेटा 2 टा हाइड्रोजन बॉन्ड तयार करिवो तो ए जगेरे आसी जाउछि आपनकर 600 और थायमिन जदि हम देखा देन एगेन ये एडेनाइन संगे दुटा ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी कर जो आसीजिए आम 200 सो दिस बिकम्स 6+2+8 2600 सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर इन सांगर्स मेथड ऑफ डीएनए सिक्वेंसिंग द ग्रोइंग डीएनए चेन्स आर टर्मिनेटेड बिकज जितेबाला गोटे डीएनए चेन इलंगेट करुच्छे ये जगह आपको यहाँ मन रखा पड़ा दैट 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5' फॉस्फेट ग्रुप ये दुटा जाक बहुत ही एसेंशियल जदि आपड़ ये दुटा जिनस प्रोवाइड करूना देन कौन से चेन भी टर्मिनेट होज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये जगह तैयारी हो पारे ना तो सिंपल आंसर आम पाखे ये मिलगला ऑप्शन नंबर डी द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैनट बी मेड जितेबाला बॉन्ड तैयारी हो पारे ऑटोमेटिकली चेन ये जगह टर्मिनेट हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला ग्लुकोज एंड गैलाक्टोज आर टू आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड्स नोन एज जदि आप ग्लुकोज एंड गैलाक्टोज को देखिए एक केस रे हमको प्रथम देखा पड़े कि कौ जगार इन सिमिलैरिटी आसुचंती खास करके जितेबाला दुटा कंपोनेंट मानक मैक्सिमम सिमिलैरिटी थी गोटे पोजिशन में डिफर करते दे आर नोन एज द एपिमर्स ऑफ ईच अदर दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर बी ए ठीक आंसर हो बर्तमान जब मुझे आपको रिप्रेजेंट करी कि कौ जगार डिफरेन्सेस अच्छे देखो नंबर वन कार्बन 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन 6 देन 1 2 3 4 5 एंड 6 तो नंबर 4 रो जदि आपन कार्बन को देखिबे देन एई जगह रे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम रो जो लोकेशन अछि पोजीशन अछि एई जगह रे माने डिफरेंसेस मेंटेन करू छथि एंड दैट्स वे दे आर नोन एज द एपिमर्स ऑफ ईच अदर
तो वर्तमान पे हमें डिस्कशन करले क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 35 पर्यंत मु होप करू छी कि आपन मान को क्लैरिटी आसी थी प्रॉब्लम आ किछटा वैल्यूएबल की पॉइंट्स आपन मान मिलतो जदी आपन को लागो छी कोनसी क्वेश्चन ए जगह रे भूल एक्सप्लेनेशन करा जाय छी देन प्लीज मी रिक्वेस्ट करबी कि आपन ताको कमेंट सेक्शन रे पुट करंतु मु ट्राई करबी तारो किछटा जदी अलगा पॉसिबल आंसर ए परिबो देन ताको रिप्रेजेंट करबा पे सो होपफुली ए चीजटा आपन मान को हेल्पफुल रहबो नेक्स्ट पार्ट रे माने नेक्स्ट सेशन रे हमें डिस्कशन करबा क्वेश्चन नंबर 36 रो 70 पर्यंत तो सेकंड पार्ट भी हमारे कवर अप हो आउ गोटे जिनसे भी कही रखा चाहूँगी जमी आम जुलोजी क्वेश्चन डिस्कशन कले से आम बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन डिस्कशन करवा एंड आई होप कि आपको ये जिनस हेल्पफुल रहा पूरा सीरीज ही आम कम्प्लीट करवा जमीक लाइफ साइंस ऑलरेडी अपलोड हो सारी तो लाइफ साइंस तो क्वेश्चन आपठू डिस्कशन करदे पारे जुलोजी स्टार्ट है बर्तमान तो बहुत जल्दी मुझे ट्राए करी कि जमी पूरा सबूतक चैप्टर मैं पाँचटा जाक सब्जेक्ट रही सब जिन कम्प्लीट करदे एंड यहीटा भी हेल्पफुल एपाई रहा बिकज किसी जगह तो आपको डिफरेन्सेस मिल ही बट आउ भी किसी सब्जेक्ट्स अच्छे जोटा कि सब जगह अवेलेबल लाइक आप लाइफ साइंस देखते हो माइक्रोबायोलॉजी हो बायोटेक्नोलॉजी हो जूलोजी हो बॉटनी ये सब जगह आपको किसी कॉमन सब्जेक्ट्स भी मिले तो जिते आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जिते वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे सेते क्वेश्चन डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस को आप भल भाव में बुझीपारे तार कनसेप्ट उपर आपको क्लारिटी आसो सो होपफुली ये भिडियोटी आपको हेल्पफुल रहा निहत भाव में आपर प्रिपेरेसन तो स्टार्ट कर ही सारी थे सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू ऑल हैव अ गुड डे